नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 25 मार्च दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। स्नातक पास छात्राओं के खाते में इस दिन डाली जाएगी स्कॉलरशिप राशि। बिहार पर्यटन की ब्रांड एम्बेसडर बनी मैथिली ठाकुर। शिक्षक नियोजन बहाली और शिक्षकों के ट्रांसफर पर शिक्षा मंत्री का बयान। बिजली दरों में वृद्धि को लेकर बिहार विधान परिषद में हंगामा। आईसीसी ट्रॉफी को लेकर रवि शास्त्री ने समझाई बड़ी बात। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एनटीए ने इग्नू में 200 पदों के लिए निकाली भर्ती अधिसूचना। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के द्वारा इग्नू में जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के 200 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया गया है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को किसी भी विषय से 12वीं पास होना अनिवार्य है और साथ ही उम्मीदवार की इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड 40 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए और हिंदी में टाइपिंग स्पीड 35 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। बता दें कि इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 अप्रैल रात 11:50 बजे तक है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट recruitment.nta.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। स्नातक पास छात्राओं के खाते में इस दिन डाली जाएगी स्कॉलरशिप राशि। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना के तहत दी जाने वाली स्कॉलरशिप को लेकर एक बड़ी खबर दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं से जुड़ी स्कॉलरशिप की राशि विद्यार्थियों के खाते में 3 अप्रैल से देनी शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं में मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना भी काफी अहम है, जिसके तहत स्नातक पास छात्राओं को 25,000 और 50,000 रुपए दिए जाते हैं। दरअसल 25,000 रुपए 2021 तक स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को दिया जाएगा, तो वहीं 50,000 रुपए 2021 के बाद स्नातक पास करने वाले छात्राओं को दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिक्षा मंत्री के कहे अनुसार 3 अप्रैल से 2021 में स्नातक उत्तीर्ण 105,330 छात्राओं के बैंक में 25,000 रुपए की राशि देने की शुरुआत कर दी जाएगी। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे रोशन सेठ के बारे में। रोशन सेठ OBE एक ब्रिटिश भारतीय अभिनेता, लेखक और थिएटर निर्देशक है, जिन्होंने यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में काम किया है। रोशन सेठ ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1960 में यूके में की थी, लेकिन वो एक्टिंग छोड़कर एक पत्रकार के तौर पर काम करने के लिए भारत आ गए। 1980 में उन्होंने अपना कमबैक किया। वो ऑस्कर अवार्ड विनिंग फिल्म गांधी में भी नजर आए। इस फिल्म में वो जवाहरलाल नेहरू के किरदार में थे। उनके काम को काफी पसंद किया गया। वो बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए बाफ्टा अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी हुए। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। 1993 में रोशन ने टेलीविजन की मिनी सीरीज में द बुद्धा ऑफ सबरिया में हॉरून की भूमिका निभाने के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता के रॉयल टेलीविजन सोसाइटी पुरस्कार से नवाजा गया था। इसके बाद 1995 में उन्होंने फ्लाइट में बाबा की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। बिहारी पर्यटन की ब्रांड एम्बेसडर बनी मैथिली ठाकुर। नीतीश सरकार के द्वारा बिहार दिवस के मौके पर बिहार की मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर को एक और विभाग के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुन लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल मैथिली ठाकुर बिहार खादी एवं हैंडीक्राफ्ट की ब्रांड एम्बेसडर है, लेकिन अब वो बिहार के पर्यटन विभाग की भी ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। मालूम हो कि इसको लेकर राज्य पर्यटन विभाग के डायरेक्टर यशपति मिश्रा और लोक गायिका मैथिली ठाकुर के बीच एक बैठक हुई थी, जिसमें मैथिली ठाकुर के सामने ने बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए प्रस्ताव रखा गया था, जिसे मैथिली ठाकुर के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। बता दें कि अब मैथिली ठाकुर बिहार के पर्यटन स्थलों का प्रचार करती नजर आएंगी। बिजली दरों में वृद्धि को लेकर बिहार विधान परिषद में हंगामा। बीते दिन एक तरफ जहां बिहार में बिजली दरों की वृद्धि को लेकर बिहार विधानसभा और विधान परिषद में विपक्ष के द्वारा सरकार को घेरते हुए बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के द्वारा कहा गया कि जिस प्रकार से बिहार विद्युत नियामक आयोग के द्वारा टैरिफ की वृद्धि की गई है और फिक्स्ड चार्ज को बढ़ाया गया है, वह जनता पर बड़ा बोझ है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर लगने से बिजली का बिल अनाप शनाप आ रहा है, इसलिए सरकार को इस पर तुरंत सब्सिडी घोषित करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो एनडीए सदन से लेकर सड़क तक इस फैसले का विरोध करेगी। तो वही दूसरी ओर जन अधिकार पार्टी के द्वारा इस मुद्दे को लेकर बीते दिन आयकर गोलंबर से लेकर विद्युत कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला गया। वही जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर का कहना है कि यह बिजली विभाग नहीं लूट विभाग है, अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो हमारी पार्टी के द्वारा आगे और भी उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। गंगा
गंगा में वाटर स्पोर्ट्स को लेकर तेजस्वी का बड़ा प्लान। गंगा में अंडमान और निकोबार द्वीप की तरह वाटर स्पोर्ट्स की शुरुआत करने को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सह पर्यटन मंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा कहा गया कि गंगा में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वाटर स्पोर्ट्स के निर्माण को लेकर सुरक्षा संबंधी मानकों पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में पर्यटन के साथ साथ रोजगार को बढ़ावा मिल सके, इसके लिए गंगा किनारे रिवर फ्रंट विकसित करने पर भी चर्चा किया जा रहा है। मालूम हो कि गंगा में वाटर स्पोर्ट्स की शुरुआत हो जाने से राज्य के लोगों को देश के दूसरे स्थानों पर वाटर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। वहीं इससे न केवल राज्य के लोगों को फायदा होगा बल्कि पर्यटन और रोजगार के क्षेत्र में बढ़ोतरी होने से राज्य के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। बिहार में 6 बाईपास का होगा निर्माण। पथ निर्माण विभाग के द्वारा अगले वित्तीय वर्ष में 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत राज्य में 6 बाईपास के निर्माण को लेकर प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिस पर जल्द ही स्वीकृति लेने के लिए पथ निर्माण विभाग के द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि एक बार इन बाईपास के निर्माण को लेकर स्वीकृति मिल जाने के बाद इसका निर्माण कार्य काफी तेजी से पूरा कराया जाएगा। बता दें कि आने वाले वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में जिन 6 बाईपास का निर्माण किया जाएगा उनमें दरभंगा जिले के पहेरी बाईपास, भोजपुर जिले के चंदवा से धनुपुरा बाईपास, खगड़िया जिलांतर्गत नगर सुरक्षा बांध बाईपास, गया जिले में गुड़ुआ बाईपास, किशनगंज जिले में बहादुरगंज बाईपास तथा सारण जिले में मशरक बाईपास का निर्माण शामिल है। शिक्षक नियोजन बहाली और शिक्षकों के ट्रांसफर पर शिक्षा मंत्री का बयान। बीते दिन बिहार विधान परिषद में एक प्रश्न का जवाब देते हुए बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा शिक्षक नियोजन बहाली और शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर अपनी बातें रखी गई। उन्होंने शिक्षक नियोजन बहाली को लेकर बीजेपी विधान पार्षद निवेदिता सिंह के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वास्तविक स्थिति यह है कि विभागीय आदेश ज्ञापांक 111-112 के तहत 31 जनवरी द्वारा क्रमशः बिहार न्यायिक सेवा के 33 और बिहार शिक्षा सेवा, बिहार प्रशासनिक सेवा के 35 सेवानिवृत्त अधिकारी, जिला अपीलीय प्राधिकार के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं शिक्षकों के ट्रांसफर पर उन्होंने विधान पार्षद डॉक्टर प्रमोद कुमार के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वर्तमान में नियमावली में संशोधन कर सभी कोटि के शिक्षकों एवं पुस्तकालयों अध्यक्षों को इसमें आच्छादित किया जा चुका है। स्थानांतरण के लिए सॉफ्टवेयर का निर्माण प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर के ट्रायल के बाद स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे रानीगंज वृक्ष वाटिका के बारे में। रानीगंज वृक्ष वाटिका बिहार राज्य के अररिया जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यह बिहार की राजधानी पटना से 310 किलोमीटर उत्तर पूर्व में एक फारबिसगंज फोरलेन से दक्षिण कुर्सेला जाने वाले SH-77 के पूरब किनारे 25 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। यह स्थल बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित वन भूमि है। रानीगंज वृक्ष वाटिका क्षेत्र को पूर्व में हसनपुर बालू धीमा के नाम से जाना जाता था। 289 एकड़ में फैले इस क्षेत्र को प्राकृतिक वन क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया है। इसके परिवर्तित स्वरूप को पर्यटकों की आवश्यकता अनुसार आकर्षक रूप प्रदान किया गया है। वर्तमान में रानीगंज वृक्ष वाटिका बिहार राज्य का एक अत्यंत दर्शनीय मनोरम पर्यटन स्थल, प्राकृतिक एवं स्वास्थ्य प्रेमियों के लिए आदर्श स्थल तथा शोधार्थियों हेतु अध्ययन स्थल के रूप में निर्मित किया गया है। राशन कार्ड जोड़ने की बढ़ी तारीख। अगर आप भी राशन कार्ड होल्डर्स हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल केंद्र सरकार के द्वारा आधार और राशन कार्ड को जोड़ने की तारीख को आगे बढ़ाकर 31 मार्च से 30 जून तक कर दिया गया है। बता दें कि इस बात की जानकारी खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी करके दी गई है। यानी कि अब राशन कार्ड होल्डर्स अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से 30 जून तक लिंक करवा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाता है तो यह सुनिश्चित करना आसान हो जाएगा कि सभी जरूरतमंदों को उसके हिस्से का खाद्यान्न मिल रहा है या नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले भी राशन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करवाने के लिए तारीख को बढ़ाते हुए 31 दिसंबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक बढ़ाया गया था। वहीं अब एक बार फिर इस तारीख को बढ़ाकर 30 जून 2023 तक कर दिया गया है। नए अध्यक्ष सम्राट चौधरी के भव्य स्वागत में इस दिन निकलेगा जुलूस। निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार के नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का स्वागत 27 मार्च को होने वाला है। वहीं उनके भव्य स्वागत को लेकर बिहार बीजेपी की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बता दें कि उनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सम्राट चौधरी के स्वागत में बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा पटना एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक विशाल जुलूस निकाला जाएगा। मालूम हो कि इस भव्य जुलूस में बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी और सभी कार्यकर्ता शामिल होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार
बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर संजय जायसवाल का कार्यकाल पिछले वर्ष ही खत्म हो चुका था, जिसके बाद गुरुवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा बिहार बीजेपी के नए अध्यक्ष के रूप में सम्राट चौधरी को चुना गया। बिहार में एक बार फिर से बदल सकता है मौसम। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार आने वाले एक से दो दिनों में राज्य के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखी जा सकती है, लेकिन मौसम खुशनुमा बना रहेगा। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार 26 और 27 मार्च को बिहार के कुछ भागों में बहुत हल्की बारिश के साथ बिजली चमकने के आसार है। इनमें उत्तर पूर्व, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व सहित कुल 20 जिलों के कुछ कुछ भागों में हल्की बारिश हो सकती है। बादल छाए रह सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार एक दो दिनों के अंदर बिहार के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 8 से 10 किलोमीटर की रफ्तार से कई जगहों पर हवा चल सकती है। कोषागारों की चौकसी के लिए नियुक्त हुए ये पदाधिकारी चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि 31 मार्च को समाप्त हो रही है। ऐसे में राज्यों के सभी कोषागारों से राशि की अवैध निकासी न की जा सके, इसके लिए सभी कोषागारों के लिए अलग अलग निगरानी पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है। बता दें कि जिन निगरानी पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है उनमें पटना के लिए निगरानी ब्यूरो के इंस्पेक्टर सुधीर कुमार, मगध के लिए गया में निगरानी के इंस्पेक्टर शालिग्राम कुमार, तिरहुत के लिए मुजफ्फरपुर के इंस्पेक्टर उपेंद्र कुमार, सारण के लिए ब्यूरो मुख्यालय के निरीक्षक शाहनवाज रिजवी, दरभंगा के लिए ब्यूरो के इंस्पेक्टर उमा शंकर सिंह, कोशी के लिए ईश्वर प्रसाद, पूर्णिया के लिए ईश्वर चौधरी, भागलपुर के लिए विपिन कुमार और मुंगेर के लिए सिकंदर मंडल के नाम शामिल हैं। बता दें कि इसके लिए निगरानी विभाग की ओर से आदेश भी जारी किया जा चुका है। अपनी मांग को लेकर रेल मंत्री से मिले सांसद कौशलेंद्र कुमार। बीते दिन नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार के द्वारा केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की गई। इस दौरान सांसद कौशलेंद्र कुमार के द्वारा रेल मंत्री को एक स्मरण पत्र सौंपा गया। बता दें कि इस स्मरण पत्र में सांसद के द्वारा रेल मंत्री के सामने अपनी मांगे रखी गई है, जिसमें धानापुर राजगीर इंटरसिटी को नालंदा रेलवे स्टेशन पर रोकने व श्रमजी एक्सप्रेस को पावापुरी व सलाव स्टेशन पर ठहराव देने के साथ ही रामपुर हाल्ट पर टिकट काउंटर की व्यवस्था करने सहित हावड़ा राजगीर फास्ट पैसेंजर को तत्काल चालू करने की मांग शामिल है। जिसके बाद सांसद कौशलेंद्र कुमार के इन मांगों को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा सांसद को आश्वासन दिया गया। अमिताभ बच्चन ने शेयर किया अपना हेल्थ अपडेट। कुछ दिनों पहले महानायक अमिताभ बच्चन को शूटिंग के दौरान चोट आ गई थी, जिस वजह से उनकी शूटिंग को रोकना पड़ा था और उन्हें आराम लेनी पड़ी थी। वहीं बीते दिन अमिताभ बच्चन के द्वारा अपने निजी ब्लॉग पर अपना हेल्थ अपडेट दिया गया है। उन्होंने लिखा है कि शरीर में परेशानी के बावजूद ठीक होने की इच्छा होनी चाहिए और इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। देखभाल और परिवार तथा शुभ चिंतकों के प्रेम से ऐसा किया जा सकता है। इस प्रेम के लिए मैं आपका बार बार शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने बताया कि हां, अभी भी पसली और पैर की उंगली विद्रोह की स्थिति में है, लेकिन को हल किया जाना चाहिए और इसका समाधान ढूंढा जाना चाहिए और हमें अवश्य ढूंढना चाहिए। विश्व के महानायकों की प्रेरणादायक कहानियों को देखने से मन में अनुसरण करने, अनुकरण करने और समान आचरण करने की इच्छा का विचार आता है। अब इस तारीख तक फ्री में अपडेट करवाएं आधार। आज के दौर में आधार कार्ड हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बिना हम किसी भी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। आधार कार्ड के बिना हम किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा सकते और न ही कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद हो, इसलिए आधार को अपडेट कराना बहुत जरूरी है। बता दें कि ऐसे तो आधार कार्ड अपडेट करवाने में 25-25 रुपए शुल्क लगते हैं, लेकिन अभी आपके पास मौका है कि आप अपने आधार कार्ड को फ्री में अपडेट करवा सकते हैं। दरअसल उपायुक्त राघव शर्मा के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आधार कार्ड में पहचान व पते को 14 जून 2023 तक निशुल्क ऑनलाइन अपडेट करवा सकते हैं। वहीं वैसे लोग जिन्होंने पिछले 8 से 10 सालों में अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं करवाया है, तो वैसे लोगों के लिए पहचान और पते के प्रमाण के दस्तावेजों को अपलोड करवाना अनिवार्य होगा। मालूम हो कि अगर आप आधार सेवा केंद्र पर ऑनलाइन आधार अपडेट करवाते हैं तो इसके लिए आपको 50 रुपए शुल्क देने होंगे। राहुल गांधी सजा मामले पर कांग्रेस और राजद का बयान। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के मोदी सरनेम मानहानि मामले को लेकर सांसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। वहीं अब इस मुद्दे पर बिहार कांग्रेस और आरजेडी के द्वारा केंद्र के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए ट्वीट कर केंद्र सरकार पर हमला बोला गया है। एक तरफ जहां बिहार कांग्रेस के द्वारा ट्वीट कर कहा गया है कि राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है, वह आपके और इस देश के लिए लगातार सड़क से संसद तक लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, हर षड्यंत्र के बावजूद वह यह लड़ाई हर कीमत पर जारी रखेंगे और इस मामले में न्याय संगत कार्यवाही करेंगे, लड़ाई जारी है। तो वही दूसरी ओर आरजेडी के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए सदस्यता रद्द किए जाने की कॉपी को अटैच कर ट्वीट करते हुए लिखा गया है कि निर्लज्जता और तानाशाही
का घाल मेल अपने चरम पर। इसके साथ ही आरजेडी के कई नेताओं के द्वारा भी केंद्र सरकार पर हमला बोला गया। बिहार बीजेपी के नए अध्यक्ष ने राबड़ी देवी पर लगाया आरोप। बीते दिन शुक्रवार को बिहार प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि हम हमेशा से राबड़ी देवी को माता तुल्य मानते थे, लेकिन यह बात बिहार की जनता अच्छे से जानती है कि लालू परिवार किस तरह अलग अलग जातियों के लिए आपत्तिजनक बातें करता है। अब यही काम राबड़ी देवी भी कर रही है। उन्होंने कहा कि 1990 के दशक में इसी तरह लालू यादव के द्वारा भूरा बाल साफ करो की बात कहकर सवर्ण की अपमानित किया गया था। वहीं फिर इनके द्वारा कुशवाहा कुर्मी समाज को भी अपमानित करने का काम किया गया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू परिवार वाले हमेशा से जातिवाद बातें करते हैं। राबड़ी देवी केवल बिहार के लोगों को जाति में बांटकर राजनीति चमकाना चाहती है। 2024 चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर ने सामने रखा प्लान। चुनावी राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर के द्वारा अपने जनसुराज पदयात्रा के दौरान सारण में जनसभा को संबोधित करते हुए 2024 चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार को लोगों के द्वारा विकल्प न होने के कारण प्रधानमंत्री बनाया गया था, इसलिए जनता को अपना विकल्प तैयार करना चाहिए और किसी और को पीएम बनाना चाहिए। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने लोगों से यह भी वादा किया कि वो और उनकी पूरी टीम ताकत लगाकर लोगों की मदद करेगी। उन्होंने कहा कि आप सभी कहते हैं कि मोदी जी ने आपका काम नहीं किया, तो फिर 2019 में आप सभी ने दोबारा उनको वोट क्यों दिया? इस पर कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास विकल्प नहीं था, तो विकल्प आप लोगों को खुद बनाना होगा और इससे मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। आईसीसी ट्रॉफी को लेकर रवि शास्त्री ने समझाई बड़ी बात। पिछले 10 सालों से भारतीय टीम आईसीसी ट्रॉफी लेने में कामयाब नहीं हो पाई है, जिस वजह से टीम इंडिया को कई आलोचकों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच पूर्व हेड कोच रह चुके रवि शास्त्री के द्वारा आईसीसी टूर्नामेंट में हो रही टीम इंडिया की फजीहत को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि टीम इंडिया का आईसीसी ट्रॉफी जीतना बाकी है। उन्होंने निरंतर अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है। वह लगभग हर बार फाइनल या सेमीफाइनल तक पहुंचने में सफल रहे हैं। आप सचिन तेंदुलकर को देखिए, उनको एक आईसीसी ट्रॉफी जीतने के लिए 6 वर्ल्ड कप खेलने पड़े। 6 विश्व कप का मतलब है कि 24 साल, और वह आखिरी वर्ल्ड कप में जाकर जीते। आप लियोनेल मेसी को देखिए, वह एक क्लासिक उदाहरण है। मेरा मतलब है कि वह कितने लंबे समय से खेल रहे हैं, और जब उन्होंने जीतना शुरू किया तो वह कोपा अमेरिका जीते, फिर वर्ल्ड कप जीते और फाइनल में भी स्कोर किया। यानी आपको इंतजार करना होगा, आईसीसी ट्रॉफी की बारिश होगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। स्वामी विवेकानंद ने सिस्टर निवेदिता को 1898 में ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी। देश के पहले हेलीकॉप्टर S-55 को 1954 में दिल्ली में उतारा गया। टीम इंडिया 2007 में विश्व कप क्रिकेट से बाहर हुई। राजस्थान के बीकानेर की तनुश्री पारिक ने 2017 में देश की पहली सीमा सुरक्षा बल की महिला अधिकारी बनकर देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया। 1838 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष विलियम वेडरबर्न का जन्म हुआ। 1943 में भारतीय कवि तेज राम शर्मा का जन्म हुआ। 1948 में बॉलीवुड के मशहूर कलाकार फारूक शेख का जन्म हुआ। 1905 में प्रसिद्ध भारतीय राजनेता मिर्जा राशिद अली बेग का जन्म हुआ। सन 1931 में आज ही के दिन प्रसिद्ध समाज सेवी कुशल राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी का निधन हुआ। आज के दिन को गणेश शंकर विद्यार्थी बलिदान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे श्रम मंत्रालय के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे श्रम मंत्रालय के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एक वेबसाइट srbc.in.net से संबंध होने का दावा करती है। श्रम मंत्रालय ऑनलाइन भर्ती कर रहा है और बेरोजगारी भत्ता प्रदान कर रहा है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा फेक है। यह वेबसाइट और ऑनलाइन भर्ती भारत सरकार से संबंध नहीं है। इस दिन से हटेगी ट्विटर से लेगेसी ब्लू चेक मार्क। बीते दिन ट्विटर के द्वारा यह घोषणा कर दी गई है कि 1 अप्रैल से ट्विटर से लेगेसी ब्लू चेक मार्क को हटाना शुरू कर दिया जाएगा, जिसका असर अब लोगों को पॉकेट पर देखने को मिल सकता है। दरअसल अब ट्विटर पर ब्लू टिक लेने के लिए लोगों को प्रति वर्ष 9,400 रुपए चुकाने होंगे। इसके साथ ही मस्क के द्वारा यह भी बताया गया है कि अगर उपयोगकर्ता वेब ब्राउजर से साइन अप करते हैं तो उन्हें प्रति माह ब्लू टिक प्राप्त करने के लिए $8 यानी कि 659.33 पैसे चुकाने होंगे। हालांकि फ्री ब्लू टिक वाले पैसे देकर ट्विटर ब्लू की सेवा ले सकते हैं, तो वैसे में उनका ब्लू टिक बना रहेगा, लेकिन उनका लीगली वेरिफाइड का टैग हटा दिया जाएगा। तो अगर आप भी ट्विटर पर ब्लू टिक लेना चाहते हैं तो निर्धारित शुल्क चुकाकर ले सकते हैं। भारतीय शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ हुआ बंद। बीते दिन शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार उतार चढ़ाव के बीच लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ।
बता दें कि बीते दिन सेंसेक्स जहां 400 अंक लुढ़क गया तो वहीं निफ्टी 16.945 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 398.18 अंक या 0.69% की गिरावट के साथ 57,527.10 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का निफ्टी 131.85 अंक या 0.77% टूटकर 16,945.05 के स्तर पर बंद हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सबसे अधिक गिरावट रियल्टी, मेटल, ऑयल एंड गैस, टेलीकम्युनिकेशंस, फार्मा, कमोडिटी और फाइनेंशियल सर्विसेज शेयरों में देखने को मिली। वहीं जिन शेयरों में बढ़त देखने को मिली उसमें इंफोसिस, टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड, एशियन पेंट्स और कोटक महिंद्रा बैंक के नाम शामिल हैं। गरीब रथ के एक कोच में लगी आग। बीते दिन मुजफ्फरपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी गाड़ी मुजफ्फरपुर आनंद विहार गरीब रथ स्पेशल ट्रेन के एक कोच में आग लग गई, जिसके बाद उस बोगी में लगी आग पर काबू पाया गया। बता दें कि वह स्पेशल ट्रेन दोपहर 3 बजे दिल्ली के लिए रवाना होता, लेकिन उससे पहले ही बोगी में आग लगने के कारण ट्रेन समय पर रवाना नहीं हो पाई। हालांकि आग पर नियंत्रण पाने के बाद जले हुए बोगी को हटाकर ट्रेन को दिल्ली के लिए रवाना किया गया। बता दें कि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट को बताया गया है। हालांकि इस दौरान किसी यात्री को किसी प्रकार की कोई चोट नहीं आई। बीते दिन हमारे पूछेगा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे पूछेगा सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, सुमन सौरभ, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, शंकर मुखिया, नन्नू गोलू कुमार, पीके पासवान, बिट्टू कुमार राज, मोहम्मद सकीर हुसैन, पवन सिंह, मुटू रंगीला, रविशंकर, सदुल्लाह पलवी, जगन्नाथ प्रसाद, उदय कुमार पासवान, अर्चना भारती। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिजली के दर में बढ़ोतरी होने से आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।